नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशे अकेडमी से। दोस्तों आज हम 1947 की पहली घटना डिस्कस करने जा रहे हैं, एटली की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन लंदन से 20 फरवरी 1947 को घोषणा की जाती है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। तो 1947 की पहली घटना है दोस्तों, एटली की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन लंदन से घोषणा किया जाता है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। तो फ्रेश टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, एटली की घोषणा। यह आपका है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। यह है उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड। यह है दोस्तों लंदन। ये पकड़ना है दोस्तों लंदन, लंदन में पकड़ना है हाउस ऑफ कॉमन। लंदन में है दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन, लंदन में है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन लंदन से एटली 1947 में घोषणा करते हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है एटली की घोषणा। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया जाता है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ भारत के अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय नियुक्त किए जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर घोषणा करता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया जाता है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ भारत के मार्च 1947 में भारत के नए वायसराय नियुक्त होते हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के नए वायसराय नियुक्त होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं 22 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत आगमन होता है दोस्तों, 22 मार्च 1947 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1947 एटली घोषणा, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन लंदन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ भारत के अंतिम, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त किए जाते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन का भारत आगमन होता है 22 मार्च 1947। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बनते हैं। एटली की घोषणा की गई थी कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। अब भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत को स्वतंत्र करने का विधेयक जो है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ये भेजते हैं लंदन, जो 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में, 4 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन लंदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित होकर कानून बन जाता है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947। और इसी के तहत एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को
भारत को स्वतंत्र किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं। पहला दोस्तों, भारत एक स्वतंत्र देश होगा। दूसरा प्रावधान है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। और तीसरा प्रावधान है, देशी रियासतें या तो अपना विलय भारत में कर सकते हैं, या अपना विलय पाकिस्तान में कर सकते हैं, या अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन लंदन में भारतीय स्वतंत्रता पंचाट, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है, जो अंततः 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित होकर बन जाता है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को। इसके प्रमुख प्रावधान है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, दूसरा प्रावधान है दोस्तों पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, और तीसरा प्रावधान है देशी रियासतों को यह अधिकार होगा या तो अपना विलय भारत में करे, या अपना विलय पाकिस्तान में करे, या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। जब 1947 की स्थिति में भारत और पाकिस्तान में मिलाकर कुल 579 देशी रियासतें थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर कुल 579 देशी रियासतें थी, जिसमें से 14 देशी रियासतें भौगोलिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान में शामिल हो गई और 565 देशी रियासतें भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के पास आ गए। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है, उस स्थिति में 565 में से 562 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका था, लेकिन 3 देशी रियासतें अर्थात 565 में से 562 देशी रियासतों का 15 अगस्त 1947 की स्थिति में भारत संघ में विलय हो चुका था, लेकिन 3 देशी रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद का भारत संघ में विलय नहीं हो पाया था। अर्थात स्वतंत्रता के बाद कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों का विलय किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का प्रमुख कार्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन रेखा निर्धारित करना तथा भारत तथा पाकिस्तान, पाकिस्तान एक नए राष्ट्र का निर्माण करना तथा भारत को स्वतंत्र करना। तो इसी उद्देश्य के साथ वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण के लिए एक आयोग का निर्माण किया, जिसे कहते हैं रेडक्लिफ आयोग, और इसके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के हिसाब से यह है दोस्तों हमारा देश भारत, ये पकड़ना है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है आज के हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, आज के हिसाब से यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई, चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आज के हिसाब से यह है दोस्तों पाकिस्तान, यह है दोस्तों पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं वायसराय, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण हेतु उस समय यह था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, यह था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, और यह था दोस्तों
पश्चिमी पाकिस्तान। इस प्रकार से तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा के निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया। रेड क्लिफ आयोग का गठन किया, रेड क्लिफ आयोग का गठन किया। रेड क्लिफ आयोग के अध्यक्ष थे सर रेड क्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन रेखा के निर्धारण के डायरेक्टर थे दोस्तों, अर्थात भारत पाकिस्तान विभाजन के डायरेक्टर थे दोस्तों बीपी मेनन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो रेड क्लिफ आयोग का मुख्य काम था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करना। इनका कार्य था भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करना, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करना, सीमा रेखा का निर्धारण करना। और इसी के तहत रेड क्लिप आयोग ने भारत पाकिस्तान के बीच ये एक सीमा रेखा खींचा दोस्तों, ये एक सीमा रेखा खींचा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सीमा रेखा खींचा गया। ये था पूर्वी पाकिस्तान, ये सीमा रेखा इस प्रकार से खींचा गया जो आज का है दोस्तों बांग्लादेश। तो ये बन गया आपका पूर्वी पाकिस्तान, ये है दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा ये है दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान, अर्थात दोनों को मिलाकर कहलाता है दोस्तों पाकिस्तान। और यहां पर ये जो रेखा खींचा गया भारत और पाकिस्तान के बीच, इन रेखाओं को कहा गया रेड क्लिफ आयोग, अर्थात सर रेड क्लिफ के नाम पर रेड क्लिफ रेखा, इसे इतिहास में जाना जाता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ये है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। वर्तमान में ये पूर्वी पाकिस्तान है दोस्तों, बांग्लादेश अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच भी है रेड क्लिफ रेखा, ये है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सर रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया और अपना रिपोर्ट सौंपा दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ आयोग के द्वारा सौंपे गए भारत और पाकिस्तान के रेखा सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया दोस्तों 3 जून 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन को सर रेडक्लिफ ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया सर रेडक्लिफ ने, अर्थात रेडक्लिफ आयोग ने, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे प्रकाशित कर दिया, पब्लिकली कर दिया 3 जून 1947। तो 1947 की अगली घटना है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत। ये हुआ दोस्तों 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ आयोग के द्वारा खींचे गए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण का घोषणा हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर रेड क्लिफ आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करके अपना रिपोर्ट सौंपा लॉर्ड माउंटबेटन को और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे प्रकाशित किया दोस्तों, अर्थात लागू कर दिया 3 जून 1947 को। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये लागू हुआ दोस्तों 3 जून 1947 को। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हो गया 3 जून 1947 को, जिसे कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ 3 जून 1947 को, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हो गया। इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण से
14 देसी रियासतें आती है दोस्तों पाकिस्तान में, और 565 देसी रियासतें भौगोलिक दृष्टिकोण से आ जाती है आपके भारत में। 565 देसी रियासतें आ जाती है भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में, और भौगोलिक दृष्टिकोण से 14 देसी रियासतें आ जाती है दोस्तों पाकिस्तान में। आप ध्यान दीजिएगा, अब इस प्रकार से जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ, तो इसके जस्ट कुछ दिनों बाद 22 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत में जो 565 देसी रियासतें हैं, इसका भारत संघ में विलय करवाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना में साफ साफ लिखा था कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, तथा देसी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे या तो पाकिस्तान में करे, या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। अर्थात भारत में 565 देसी रियासतें हैं, इनका भारत संघ में विलय करने हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य है भारत संघ में देसी रियासतों का 565 देसी रियासतों का विलय करवाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला घटना है इसी के बाद, जस्ट अगली घटना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगली घटना है 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका प्रमुख कार्य है 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करना, भारत संघ में विलय करना। तो अब 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका प्रमुख कार्य है कि 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करना। तो 22 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 565 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करने हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है। अर्थात इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में जो भौगोलिक दृष्टिकोण से 565 देसी रियासतें हैं, इसका भारत संघ में विलय करवाना। और अंततः भारत के स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 की स्थिति में भारत में कुल 562 देसी रियासतों का विलय कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 565 में से 562 देसी रियासतों का 565 में से 562 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाता है। लेकिन 3 देसी रियासतें जिनका विलय नहीं हो पाता है, वो है दोस्तों, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा यहां पर जूनागढ़, और तीसरा है दोस्तों हैदराबाद। 3 देसी रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद का 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक भारत में विलय नहीं हो पाता है। अर्थात 3 देसी रियासतें जम्मू कश्मीर या कश्मीर, जूनागढ़ तथा यहां पर है दोस्तों हैदराबाद, इन 3 देसी रियासतों का भारत संघ में 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक विलय नहीं हो पाता है। अर्थात जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है, तो इसमें तब तक 565 में से 562 देसी रियासतों का विलय हो जाता है। तो यहां पर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों,
इस प्रकार से 1947 में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत होता है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया जाता है। और इसके लिए गठित किया गया था रेड क्लिप आयोग, अध्यक्ष थे सर रेड क्लिप, विभाजन के डायरेक्टर थे भारत और पाकिस्तान के, विभाजन के डायरेक्टर थे बीपी मेनन। इनका कार्य था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करना। अंततः भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में शामिल होना है 565 देशी रियासतें और पाकिस्तान में कुल 14 देशी रियासतें। इसीलिए 22 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था 565 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करना। अंततः 15 अगस्त 1947 की स्थिति में 565 में से 562 देशी रियासतों का विलय हो जाता है भारत संघ में। 3 देशी रियासतें जम्मू कश्मीर या कश्मीर, जूनागढ़ और तीसरा है दोस्तों हैदराबाद का 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक विलय नहीं हो पाता है। ये 3 देशी रियासतें जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद अंततः विलय होते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ, 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन किया गया, और इस प्रकार से दोस्तों ये पकड़ना है आपका, ये पकड़ना है दोस्तों, ये है आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन पकड़ना है, ये है दोस्तों लंदन, ब्रिटेन के लंदन में स्थित हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन में इस प्रकार से अंततः पेश किया जाता है दोस्तों, यहां पेश किया जाता है 1947 अर्थात 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन लंदन में पेश किया जाता है भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक या पंचार्ट या बिल, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बिल या पंचार्ट पेश किया जाता है, जो अंततः 18 जुलाई 1947 को पारित हो जाता है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन लंदन में पेश किया जाता है। भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन लंदन में पेश किया जाता है, जो पारित होता है 18 जुलाई 1947 को, अर्थात यह विधेयक बन जाएगा दोस्तों कानून। भारतीय स्वतंत्रता कानून या अधिनियम 1947, यह बन गया दोस्तों एक कानून, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके प्रमुख प्रावधान थे, पहला भारत एक स्वतंत्र देश होगा, दूसरा पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, तीसरा देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत संघ में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है, जिसके प्रमुख प्रावधान है दोस्तों, जिसके प्रमुख प्रावधान है, पहला प्रावधान है दोस्तों भारत एक स्वतंत्र देश होगा, भारत एक स्वतंत्र देश होगा, भारत एक स्वतंत्र देश होगा। दूसरा प्रावधान है पाकिस्तान, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। और तीसरा प्रावधान है दोस्तों देशी रियासतों को, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा, यह अधिकार होगा, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय भारत संघ में करे, भारत में करे, भारत में या पाकिस्तान में करे, भारत में या पाकिस्तान में करे, या अपने आप को, या अपने आप को एक स्वतंत्र, एक स्वतंत्र देश घोषित करे, एक स्वतंत्र देश घोषित करे।
तो इस प्रकार से 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन लंदन में पेश किया जाता है, जिसके प्रमुख प्रावधान है भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, देसी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय भारत या पाकिस्तान में करे या अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। और अंततः 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन लंदन से पारित होकर बन जाता है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस प्रकार से अब लागू हो जाता है कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके प्रमुख प्रावधान है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, तथा देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। इसी जद्दोजहद में भारत के 565 में से 562 देशी रियासतों का 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक 565 देशी रियासतों में से 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक 562 देशी रियासतों का विलय हो जाता है, लेकिन 3 देशी रियासतें जम्मू कश्मीर या कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 की स्थिति में भारत में कुल 562 देशी रियासतों का ही विलय हो पाता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि 565 में से 562 देशी रियासतों का भारत संघ में तो विलय हो गया, 562 का भारत संघ में तो विलय हो गया, लेकिन 3 देशी रियासतों का भारत संघ में जो विलय हुआ है वो हुआ है भारत की स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि उन्होंने अपने आप को घोषित किया था एक स्वतंत्र राष्ट्र, जो है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो अगला हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये 3 रियासतें जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया था, ये है दोस्तों आपके कश्मीर या जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, कश्मीर जम्मू कश्मीर जूनागढ़, और एक पकड़ना है दोस्तों हैदराबाद। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया था। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किस प्रकार से इन्हें भी शामिल किया गया, यह हम देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तीन देशी रियासतें जिनका 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक विलय नहीं हो पाया था, ये आपका है दोस्तों जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, राजस्थान का जूनागढ़, और तीसरा है दोस्तों हैदराबाद। लेकिन 15 अगस्त 1947 की 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन लंदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक या पंचार्ट को पेश किया जाता है, जो 18 जुलाई 1947 को पारित होकर बन जाता है दोस्तों कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके प्रमुख प्रावधान है, पहला भारत एक स्वतंत्र देश होगा, दूसरा पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, तीसरा देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत संघ में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। और इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 की स्थिति में 565 में से 562 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाता है, 3 देशी रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है पाकिस्तान, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है दोस्तों पाकिस्तान का, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान देश का निर्माण होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 के आधार पर 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है पाकिस्तान, जिसके प्रथम, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली, और पाकिस्तान के सचिव रहते हैं दोस्तों, प्रथम सचिव रहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली
जिन्ना। अंततः एक 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है 14 अगस्त 1947 को। एक नए देश का निर्माण होता है दोस्तों पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। इनके पास भौगोलिक दृष्टिकोण से कुल देशी रियासतें हैं 14 देशी रियासतें। इनके पास भौगोलिक दृष्टिकोण से कुल 14 देशी रियासतें हैं और 565 देशी रियासतें आते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से दोस्तों भारत संघ में। 15 अगस्त 1947 को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का निर्माण होता है। स्वतंत्र भारत अर्थात भारत को स्वतंत्र किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया गया। यहां पर तब तक 15 अगस्त 1947 को कुल देसी रियासतें हैं दोस्तों भारत में, कुल देसी रियासतें हैं 565, जिसमें से भारत संघ में विलय हो जाता है दोस्तों 562 देसी रियासतों का। 562 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अब बचते हैं 3 देसी रियासत जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका अंततः भारत संघ में विलय नहीं हो पाया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो वो 3 देसी रियासतें देखते हैं जो अपने आप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में, जिनका भारत संघ विलय नहीं होता है, वे अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। ये देसी रियासतें हैं दोस्तों, पहला है दोस्तों कश्मीर। उस समय ये पूरा था दोस्तों, पहला पकड़ना है दोस्तों कश्मीर, पहला रियासत पकड़ना है दोस्तों कश्मीर। उस समय ये पूरा कश्मीर था दोस्तों, पहला रियासत पकड़ना है कश्मीर। दूसरा देसी रियासत पकड़ना है दोस्तों जूनागढ़। और तीसरा देसी रियासत है दोस्तों हैदराबाद। ये 3 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय नहीं हो पाया था 15 अगस्त 1947 की स्थिति में। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। कश्मीर, दूसरा है दोस्तों जूनागढ़ और तीसरा है हैदराबाद रियासत। 565 में से 3 देसी रियासत कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत संघ में विलय नहीं हो पाया था। 562 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया था। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों कश्मीर। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कश्मीर का भारत संघ में विलय होता है 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय होता है दोस्तों। कश्मीर रियासत का भारत संघ में विलय, कश्मीर का विलय होता है दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया जाता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान चाहता है कि वह कश्मीर को अपने कब्जे में ले ले। तो इस उद्देश्य के साथ पाकिस्तान कश्मीर में आक्रमण करता है कबाइयों के भेष में। इस समय कश्मीर के शासक हिंदू शासक है राजा हरि सिंह कश्मीर के हिंदू शासक है और इनके दीवान या मंत्री है दोस्तों शेख अब्दुल्ला। राजा हरि सिंह ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तीसरे प्रावधान, जिसमें लिखा हुआ था देसी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। तो इस प्रकार से राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को अर्थात कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान
का जब निर्माण होता है 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए कबालियों के भेष में अपनी सेना को भेजता है और कश्मीर में आक्रमण करवाता है। तो यहां पर दोस्तों राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को, अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेजते हैं और शेख अब्दुल्ला की मुलाकात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल शेख अब्दुल्ला से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि कश्मीर का भारत संघ में विलय कर दिया जाए तो हम अपनी सेना भेजकर आपको सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंततः राजा हरि सिंह ने विलय पत्र के माध्यम से विलय पत्र के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय कर दिया। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत संघ में विलय कर दिया और इस प्रकार से कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर जाती है और पाकिस्तान से युद्ध करके दोस्तों यहां पर पाकिस्तान से युद्ध करते कश्मीर को सुरक्षित करती है। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों जूनागढ़ रियासत का भारत संघ में विलय हुआ है 7 नवंबर 1947। जूनागढ़ रियासत का भारत संघ में विलय हुआ है दोस्तों 7 नवंबर 1947। नवाब मोहम्मद महावत खान जी अर्थात यहां के शासक है दोस्तों नवाब मोहम्मद महावत खान जी और इनके दीवान या मंत्री है दोस्तों शाहनवाज भुट्टो। तो नवाब मोहम्मद महावत खान जी जूनागढ़ को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं। चूंकि यहां के शासक है दोस्तों मुस्लिम, लेकिन ये एक हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो जैसे ही नवाब मोहम्मद महावत खान जी के द्वारा जूनागढ़ को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है, चूंकि यह एक हिंदू बहुल क्षेत्र है अर्थात यहां के नागरिकों के द्वारा इसका विरोध प्रकट किया जाता है। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहां करवाया जाता है जूनागढ़ में दोस्तों जनमत संग्रह, अर्थात यहां पर जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ रियासत का भारत संघ विलय होता है दोस्तों 7 नवंबर 1947 को। माध्यम है दोस्तों जनमत संग्रह में यहां पर जूनागढ़ में कुल मतदाता यहां पर रहते हैं जूनागढ़ में 2,14,457, जिसमें से कुल मतदान देने वाले रहते हैं दोस्तों कुल मतदान दिया जाता है 1,90,870। कुल मतदान पड़ता है दोस्तों 1,90,870, जिसमें से पाकिस्तान के पक्ष में वोट पड़ता है दोस्तों मात्र 91 वोट। 1,90,870 में से 91 वोट पड़ता है पाकिस्तान के पक्ष में, बाकी 1,90,870 में से बाकी पूरे वोट 91 को छोड़कर बाकी पूरे वोट पड़ते हैं दोस्तों भारत के पक्ष में। अंततः जनमत संग्रह के माध्यम से 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का रियासत का भारत संघ में विलय हो जाता है। अंततः हैदराबाद रियासत, यह पकड़ना है, हैदराबाद
रियासत। हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय होता है 17 सितंबर 1948 हैदराबाद रियासत का विलय, हैदराबाद रियासत का विलय होता है 17 सितंबर 1948। यहां के शासक हैं निजाम मीर उस्मान अली। निजाम मीर उस्मान अली अपने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं, जबकि यह एक हिंदू बहुल क्षेत्र था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है, जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर अंततः निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा घोषणा किया जाता है कि हैदराबाद रियासत का विलय किया जाएगा पाकिस्तान को, जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से इम्प्रैक्टिकल था। तो अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई की जाती है, ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई के माध्यम से 13 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद का भारत संघ में विलय करवाया जाता है। अंततः 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक भारतीय सेना और हैदराबाद की सेना के बीच झड़प होता है, और अंततः 4 दिन बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम मीर उस्मान अली अपनी हार स्वीकार करते हैं और अंततः हैदराबाद का विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहां पर माध्यम है सैन्य कार्रवाई, अर्थात सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कश्मीर का विलय हुआ है विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ का विलय हुआ है जनमत संग्रह के माध्यम से, और हैदराबाद रियासत का विलय हुआ है सैन्य कार्रवाई के माध्यम से। विलय पत्र के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय हुआ, जनमत संग्रह के माध्यम से 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ, और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने मिलाकर कुल 579 देसी रियासतें थी, जिसमें से पाकिस्तान में शामिल होता है दोस्तों भौगोलिक दृष्टिकोण से 14 देसी रियासत, और भारत संघ में भौगोलिक दृष्टिकोण से है 565 देसी रियासतें। भारत जब स्वतंत्र होता है उस समय भारत में 562 देसी रियासतों का विलय हो चुका रहता है, लेकिन 3 देसी रियासतें जो कि है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनका भारत संघ में विलय नहीं हो पाता है। अंततः यहां पर भारत के स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भी अंततः भारत में विलय करवा लिया जाता है। लेकिन यह पकड़ना है दोस्तों भोपाल रियासत, यह है दोस्तों भोपाल रियासत, ये पकड़ना है दोस्तों भोपाल रियासत जिसका 15 अगस्त 1947 की स्थिति में, अर्थात जुलाई 1947 में ही भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय हो गया रहता है। लेकिन 1948 में यहां के शासक नवाब हमीदुल्ला के द्वारा भोपाल को फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। अंततः यहां पर भी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसे भोपाल रियासत को भारत में विलय करवा लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से भारत में विलय होने वाला अंतिम रियासत है दोस्तों भोपाल रियासत, जिसका विलय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से भोपाल रियासत का विलय ऑलरेडी जुलाई 1947 को हो चुका है। जुलाई 1947 को भारत संघ में नवाब हमीदुल्ला के द्वारा भोपाल रियासत का भारत संघ विलय हो जाता है। लेकिन इसको पलटते हुए नवाब हमीदुल्ला
1948 में फिर से भोपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सैन्य कार्रवाई के द्वारा भोपाल को फिर से विलय करवाया जाता है। तो इस प्रकार से 1 जून 1949 को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भोपाल रियासत का विलय, भोपाल रियासत का विलय होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत संघ में विलय होने वाला ये अंतिम रियासत है। हालांकि देखा जाए तो वास्तविक में हैदराबाद रियासत ये है दोस्तों भारत संघ में विलय होने वाला अंतिम रियासत, लेकिन भोपाल रियासत के शासक हमीदुल्ला के द्वारा, नवाब हमीदुल्ला के द्वारा फिर से भोपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। अंततः इसे 1 जून 1947 को सैन्य कार्रवाई के द्वारा विलय करवाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में विलय होने वाला अंतिम रियासत है दोस्तों भोपाल। ध्यान दीजिएगा, यहां के शासक थे नवाब हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला के द्वारा जुलाई 1947 में विलय पत्र के माध्यम से भारत में भोपाल को विलय किया जाता है। लेकिन फिर से 1948 में इनके द्वारा अपने आप को भोपाल को घोषित किया जाता है दोस्तों स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। अंततः 1 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सैन्य कार्यवाही के माध्यम से अंततः भोपाल रियासत का विलय करवाया जाता है। अंततः दोस्तों भोपाल रियासत का वास्तविक विलय हुआ है सैन्य कार्रवाई से, और भोपाल रियासत का विलय हुआ है दोस्तों 1 जून 1947 को। तो इस प्रकार से भोपाल रियासत भारत संघ में विलय होने वाला अंतिम रियासत है। भोपाल रियासत है दोस्तों भारत संघ में विलय होने वाला अंतिम रियासत। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा दोस्तों इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, रियासती मंत्रालय का गठन 22 जून 1947, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का निर्माण, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का निर्माण। और इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि तीन देशी रियासत विलय पत्र के माध्यम से विलय हुआ है जब कश्मीर का, जन्मत संग्रह के माध्यम से हुआ है जूनागढ़ रियासत का विलय, सैन्य कार्रवाई से विलय हुआ है हैदराबाद रियासत का, और अंततः अंतिम रियासत भोपाल रियासत का सैन्य कार्रवाई से भारत संघ में विलय हो गया। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे।